जुड़े हैं और ललित वर्मा हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं। जयपुर का सबसे पहले रुख करेंगे। ललित, आपके पास क्या जानकारी, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में क्या पुख्ता इंतजाम, क्योंकि 8 बज चुके हैं और वोटिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। इस पोलिंग बूथ के अंदर यानी कि आप स्क्रीन पर, बिल्कुल गगन, आपको बता दें कि 8 बजते ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदान से पहले आप देख सकते हैं कि जो मतपेटियां हैं उनको, जो जितने भी प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, उनकी मौजूदगी में यहां पर सील पैक किया गया है। इसके साथ ही अब जो मतदाता हैं वह मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जो पहला मतदाता है वह यहाँ पर पहुँच चुका है और जो अपेक्ष पदों के जो पद हैं उनके लिए ये मतदान किया जा रहा है। इसके साथ ही जो बात करें कि राजस्थान विश्वविद्यालय में 24 मतदान केंद्रों के साथ ही DSW कार्यालय के अंदर भी मतदान केंद्र बनाया गया है। यहाँ कड़ी सुरक्षा के बीच में आप देख सकते हैं करीबन 4 पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में यहाँ पर मतदान है वह यहाँ पर कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो ये बूथ है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो मतदान है वह यहाँ पर किया जा रहा है। पहला मतदान यहाँ पर किया जा रहा है, जो पहला सोशल डिपार्टमेंट है उसमें ये पहला मतदान यहाँ पर किया जा रहा है। आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि जो बैलेट पेपर है, बैलेट पेपर को लेकर यहाँ पर कड़ी सुरक्षा बरती गई है। जो मतदाता हैं उनके एजेंट थे वह यहाँ पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में पहले जो मतपेटियाँ हैं उनको सील किया गया था। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पूरी सूची है जहाँ पर उनका साइन कराया जा रहा है। इसके साथ ही ये मतपत्र है जो अलग अलग अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, सचिव हैं, मैम मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जाने। मैम, किस तरह की तैयारी है मतदान केंद्र पर? पूरी तरह की तैयारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वोटर आईडी लिस्ट जो है वो लगी हुई है हमारी, और हमारे मुस्तैदी से हमारे पोलिंग ऑफिसर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं और बिल्कुल पूरा ध्यान रखा जाएगा कि सुचारू रूप से ना सारी व्यवस्था चले। मैम, पुलिस का भी इस बार बहुत अच्छा जाबता है, इसके साथ ही काफ़ी सिक्योरिटी भी बढ़ती जा रही है। मतदान केंद्रों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो इसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, जैसे आपने देखा कि बाहर पुलिस की व्यवस्था है, अंदर हमारे पास पर्याप्त नंबर में जो कर्मचारी हैं जो कि हर चीज़ के लिए तैयार हैं, तो कोई भी ऐसी अप्रिय घटना यहाँ पर होगी नहीं। बिल्कुल, कोई भी अप्रिय घटना ना हो। लगातार जो मतदाता हैं, जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, वह भी हृदेश्वर, वह भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हृदेश्वर दूसरे मतदाता हैं जो यहाँ पर मतदान करने पहुँचे हैं, ये अध्यक्ष पद के निर्दलीय रूप में उम्मीदवार हैं, क्योंकि अध्यक्ष पद का जो उम्मीदवार है, अगर बात करें 6 उम्मीदवार अध्यक्ष पद के उस पर मौजूद हैं, हृदेश्वर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार भी और दूसरे मतदान करने यहाँ पर पहुँचे हो एक स्टूडेंट के बाद। मेरा सभी मतदाताओं से निवेदन है कि संघर्ष को देख के वोट दें, जो आप कितने कार्य कर सकें। मैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ 2 साल से, हमने हमेशा छात्रों के कितने काम किए हैं और उन छात्रों के संघर्ष से हम यहाँ पहुँचे हैं। गुरुजनों का आशीर्वाद रहा है और मेरा यही निवेदन है कि संघर्ष को देखते हुए आप वोट दें, और मैंने संघर्ष किया है, उस संघर्ष को देखते मुझे वोट दें। बिल्कुल, दूसरे मतदाता हैं यहाँ पर पहुँचे हैं, पहले मतदाता खुश यहाँ पर पहुँचे हैं, खुश से बात करना चाहेंगे, क्योंकि खुश ऐसे पहले 6:30 बजे ही ये मतदान करने यहाँ पर पहुँच गए थे। खुश, पहला मत डाला है आपने 6:30 बजे? जी बिल्कुल, मैंने पहला मत डाला है और मैं घर से 6:30 बजे निकल गया था कि मन में इतना उत्साह था कि वोट डालना है और सबसे पहले वोट डालना है, तो आप देखो मैंने 8 बजे पहला मेरा वोट डाल दिया है। 8 बजे पहला क्या आप बने रहिएगा ललित, मैं आऊंगी आपके पास। भवानी भाटी भी हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हुए हैं और अविनाश हमारे साथ उदयपुर से और हिमांशु मित्तल हमारे साथ कोटा से जुड़े हैं। अविनाश, मैं आपका रुख करूंगी, जयपुर के बाद उदयपुर का रुख करेंगे। अविनाश, आपके पास क्या जानकारी, क्योंकि वोटर लिस्ट वहां पर जारी है, जिनके पास आईडी कार्ड होगा उन्हीं को अंदर जाने की इजाज़त होगी, बाकी क्या कुछ वहां पर तैयारियां आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए गण, तस्वीरें मैं दिखाता हूँ कि इस बार छात्र संघ चुनाव में मतदान को लेकर पुलिस ने किस तरह से तैयारी की है। जो वाणिज्य महाविद्यालय के बाहर में खड़ा हो और यहाँ पर छात्र नेताओं को कहा जाए या कन्विंसिंग करने वाले जो उनके समर्थक है उनको कॉलेज के बाहर अलाउ नहीं किया जा रहा है। 500 मीटर की दूरी पर एक बैरिकेड्स लगाया गया है और उस बैरिकेड्स के बाहर ही तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं और अपने समर्थक में, अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट यहाँ पर मांग रहे हैं। कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर किए गए हैं ताकि जो वोट कास्ट करने के लिए जो
मतदाता छात्र मतदाता पहुंचे वो बिना किसी भय और पक्षपात के वोट कर पाए। तमाम व्यवस्थाओं को यहाँ पुख्ता किया गया है। एडिशनल एसपी कुंदन कावड़िया वाणिज्य महाविद्यालय के बाहर मौजूद है, उनसे मैं बात करूंगा। सर, एक शासन चुनाव में मतदान कराना एक बड़ी चुनौती होती है, किस तरह से इस बार की व्यवस्था की गई है ताकि जो वोटर्स यहाँ पे पहुँचे वो भयमुक्त मतदान कर पाए? पूरा अच्छे से पुलिस डिप्लॉयमेंट कर रखा है, सीनियर ऑफिसर्स भी सारे इन्वॉल्व हैं, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रखा है जहाँ पे एक जिम्मेदार अधिकारी को नहीं लगाया गया। जैसे ये कॉमर्स कॉलेज के उदाहरण के तौर पे हम लोगों ने यहाँ पे 3-4 SHO लगा रखे हैं, 2 डिप्टी लगे हुए हैं, सिटी खुद यहाँ पे राउंड पे, मैं भी राउंड पे। स्टूडेंट्स की एंट्री के लिए ID बिना ID चेकिंग के स्टूडेंट की एंट्री नहीं है, और जो वोट करने आ रहे हैं उनके एग्जिट रूट पर भी हमने जाब्ता लगा रखा है। जो बाहर लोग दूसरे स्टूडेंट्स या फिर जो आउटसाइडर हैं उनको दूर खदेड़ा रखा है और फोर्स डिप्लॉय कर रखा है। भयमुक्त वातावरण है, कोई भी वायलेंस नहीं होगा, हम लोग खड़े हैं। बिल्कुल, देखिए पूरी तरह से वो प्रयास किए जा रहे हैं कि वोटिंग के दौरान किसी तरह से हंगामा नहीं हो। देखिए जो व्यवस्था यहाँ पे की गई है, यातायात जो है वो एक तरफा यहाँ पर किया गया है, और कुछ देर में जो नया अभी फ्लाईओवर ब्रिज बना है वहाँ से ऊपर से यातायात शुरू होगा, ताकि जो नीचे कॉलेज से सटा हुआ जो रोड है वहाँ से पूरी तरह से जो है यातायात किसी तरह से बाधित नहीं हो, जब जो ट्रैफिक जाम की स्थिति यहाँ पर नहीं आ पाए। और देखिए दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो जो छात्र है समर्थक है उनका यहाँ पर आना जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है, लेकिन पुलिस का जो बैरिकेड्स है उसके अंदर किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा है। यहीं पे ID कार्ड को चेक करके और उसके बाद आगे जो वोटर्स है उनको जाने दिया जा रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें जो महाविद्यालयों का जो परिसर है या उसके आसपास में कोई पैम्पलेट्स या पोस्टर वगैरह इस बार हमको देखने को नहीं मिल रहे। आमतौर पे लिंगदो कमेटी की धज्जियाँ उड़ती हुई दिखती है रोड के ऊपर, बड़ी संख्या में पैम्पलेट्स और ये होते हैं, लेकिन इस बार कुछ पैम्पलेट्स जो थे उनको सफाई कर्मियों द्वारा यहाँ पे साफ करा दिया गया, और अब समर्थक जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ठीक 8 बजे मतदान प्रक्रिया जो पोलिंग बूथ बने हैं 4 पोलिंग बूथ वहाँ पे शुरू हो चुकी है। 13,572 मतदाता अपने मताधिकारों का उपयोग करेंगे, और इस बार विज्ञान महाविद्यालय में सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं, और उसके बाद कॉमर्स कॉलेज में। ऐसे में जो पुलिस है उसका पूरा फोकस जो है इन्हीं 2 कॉलेजों के ऊपर है, ताकि अगर इन 2 कॉलेज में अक्सर चुनाव के दौरान हुड़दंग और माहौल बिगड़ने की जानकारी रहती है, लेकिन इस बार पुलिस ने पुख्ता बंदोबस्त यहाँ पर कर रखे हैं। ठीक है, कोटा से भी हमारे साथ हिमांशु, हमारे साथ कोटा से जुड़े हैं। कोटा यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो 13 कॉलेजेस में छात्र संघ चुनाव का जो होंगे ABVP नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया और संयुक्त मोर्चा के प्रत्याशियों ने जो नामांकन दाखिल किया था, आज वोटिंग प्रोसेस से किस कदर चल रहा है वहां पर, सुरक्षा के बंदोबस्त क्या है? मांझी आवाज मिल पा रही है आपको? देखिए बिल्कुल 8 बजने के साथ में जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, और आपको बता दें कि कोटा के राजकीय महाविद्यालय के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर पुलिस जाप्ता और किस तरह से जो छात्र हैं वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए संभाग के सबसे बड़े महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय में पहुंच रहे हैं। लगातार जो मतदान की प्रक्रिया के साथ में तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं, और तमाम तैयारियों के साथ में एक एक छात्र की पूरी जांच, पूरी पड़ताल के बाद में जो छात्र हैं उन्हें वोटर आईडी के साथ में अंदर आने दिया जा रहा है। पूरे लगातार हम अपडेट दे रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव के चलते ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। छात्र जो राजकीय महाविद्यालय के बाहर की अगर बात करें तो राजकीय महाविद्यालय के बाहर बढ़ते राय से लेकर के जो स्टेशन को जाने वाला मार्ग है इस पर ट्रैफिक का जो आवागमन है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आवागमन को डाइवर्ट किया है ताकि किसी भी तरह से कोई हुड़दंग की स्थिति नहीं बने, क्योंकि अक्सर अमूमन मोटे तौर पर देखा गया है कि बीते सालों में हंगामे की जो तस्वीर है वो सामने आती है। हंगामे की तस्वीर ना बने, किसी तरह का हुड़दंग नहीं हो, उसको लेकर के भी जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। देखिए दिलचस्प तस्वीरें होती हैं, ये तमाम उम्मीदवार, तमाम जो प्रत्याशी जो छात्र संघ चुनाव में के जो मैदान में उतरे हुए हैं, और फिलहाल राजकीय महाविद्यालय के कैंपस से ये तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जब
छात्र कोई भी वोट करने के लिए आता है तो उससे मनोहार करते हुए, उसे रिक्वेस्ट करते हुए कि ये उनके उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, और इसी मनोहार के साथ में जो ये तमाम जो उम्मीदवार हैं वो फिलहाल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देखिए आप ये तस्वीर भी देखेंगे, कैंपस के अंदर के अरेंजमेंट्स भी दिखाएंगे। वोटर्स जो आ रहे हैं उनको इंडिकेट किया गया है, यहाँ पर पर्चे लगाए गए हैं ताकि किस कमरे में वोट के लिए उन्हें जाना है ये उन्हें यहाँ पर एंट्री के साथ ही पता लग जाए। ये कॉलेज प्रशासन की तरफ से ये व्यवस्था की गई है। पुलिस का जाप्ता आप देख सकते हैं, पूरी बैरिकेटिंग आप देख सकते हैं। कॉलेज प्रबंधन से भी मैं बात करूँ, महाविद्यालय प्रबंधन से भी बात करूँगा, मैं लगातार मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं, किस तरह के अरेंजमेंट पिछली सालों के मुकाबले इस बार अलग किए हैं? अरेंजमेंट वही, मोबाइल नहीं अलाउड किया है ना, और बाकी सब व्यवस्थाएं बिल्कुल व्यवस्थित है। जो वोटर्स आ रहे हैं उनकी किस तरह से चेकिंग हो रही है, उनके लिए क्या गाइडलाइन? देखिए बाहर हमारा खुद का भी स्टाफ है और बाकी पुलिस का जाप्ता है ही, और वहीं से चेक करते हुए अंदर मोबाइल नहीं जाए, बच्चे के पास आईडी उसके पास होना चाहिए है ना, रेगुलर स्टूडेंट है, फिर यहाँ से प्रवेश दिया जा रहा है मेन गेट से, और उसके बाद जूलॉजी के उधर से पीछे से ये लौट रहे हैं। थैंक यू मैम। तो ये कॉलेज प्रबंधन की तरफ से हमने बात कर की, राजकीय महाविद्यालय के जो कॉलेज प्रबंधन है उनसे बात करके ये अरेंजमेंट्स को समझा, लेकिन आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर ये पुलिस का जाप्ता जो पूरी तरह से कह सकते हैं कि राजकीय महाविद्यालय इस वक्त पुलिस छावनी, और जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रैफिक डाइवर्ट और किसी भी तरह का जो मूवमेंट है वो नहीं। कॉलेज कैंपस से अगर बात करें तो 200 मीटर दूर कोई भी किसी की आवाजाही जो है वो बंद कर दी गई है। जो वोटर्स हैं उनके आईडी कार्ड को चेक करने के बाद में कॉलेज तक उन्हें आने दिया जा रहा है, और ये तस्वीर आप देखिए कि अंतिम समय में मनोहार करते हुए ये प्रत्याशी, ये उम्मीदवार रिक्वेस्ट करते हुए कि हाथ जोड़ते हुए, और ये अपने आप में तस्वीरें होती हैं और जो दिन भर आज देखने को मिलेंगी। जी मांचू आप बने रहिएगा, अविनाश आप भी बने रहिएगा, और ललित वर्मा आप भी बने रहिएगा, भवानी भाटी और दीपक हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रेक के बाद। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकेंगे। तो ये बता दें कि सुबह 8 बजे से ही वोटिंग प्रोसेस अब शुरू हो चुका है, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लिंक 2 कमेटी की जो तमाम सिफारिशें हैं उसके पालन की बात भी है जो सामने आई है। और इसी के बीच में एक बीकानेर से बड़ी खबर, बीकानेर